सो हाय हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं मेरे सबसे का स्वागत करता हूँ आपके चैनल पर। आज के दिन हम लोग फिर से एक बार जाने वाले पोकेमॉन लाइट प्लेटिनम खेलने के लिए। सो विदाउट एनी बग बग मैं अभी गेम प्ले की तरफ चलता हूँ, और आज का गेम प्ले थोड़ा सा छोटा होने वाला है। फटाक से रैप अप करेंगे जो चीज़ें बाकी है अभी गेम प्ले में, और एक हमारा ईरा जो है, एक हमारा ईरा नहीं बोल सकते उसको, पड़ाव जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस गेम का। और लास्ट एपिसोड अगर आपने चेक नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन पूरे के पूरे प्ले लिस्ट दिया हुआ है, उसको चेक कर सकते हो। और चलते हैं गेम की तरफ। लेकिन गेम की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल पर जाइएगा और सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस गेम प्ले को। सो आज के एपिसोड में हम लोग ने लास्ट एपिसोड जिधर छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे, और यहाँ पे आ चुका है एक बड़ा वाला ट्रेनर, उससे बैटल करेंगे। और ये बंदे के पास है पिजियोट, और पिजियोट को देखे हुए भाई मतलब अरसा बीत गया, मतलब यूज़ किए हुए ना देखे हुए। सो यूज़ किया बहुत ही अरसा हो चुका है यार, मतलब मैंने लास्ट पिजियोट जो यूज़ किया हुआ था वो था पोकेमॉन फायर रेड में, मतलब नज़लॉक चैलेंज से भी पहले मैंने एक बार पोकेमॉन फायर रेड खेला था तो उसके अंदर मैंने पिजियोट यूज़ किया था। फिर से आ गया हमारा क्रोक्रोक, और क्रोक्रोक को डिफीट करेंगे हम लोग सर्व से। लेकिन यार उसने ही डिफीट कर दिया ड्रैगन एयर को। सो फिर से एक बार रिजल्ट मारते हैं, और हमारा जो वीना है 51 लेवल पहुंच गया है, मतलब यार वीना अभी पहुंच चुका है बड़े वाले लीग में। और निडोरैन को हराना पड़ेगा, लेकिन निडोरैन ने फिर से यूज़ किया है एनकोर, और एनकोर की वजह से क्या होता है हमारा जो लास्ट में फिर से एक बार यूज़ हो जाता है। और ये बहुत ही गंदा हो गया इस बार, मुझे लगा नहीं था ये चीज़ मुझे स्विच करनी पड़ेगी, क्योंकि यार मैं सोच रहा था निडोरैन को हरा दूंगा, लेकिन यार वो चीज़ नहीं हुई। और चेक करते हैं हम लोग का सुपर पोशन है कि नहीं है, और यहाँ पे ना सुपर पोशन है ना कुछ चीज़ें बची हुई है। ये लुक्सियो के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक टाइप होकर मैंने पता है गाइस। यहाँ पे आपको फिर से मिलेगा ब्लिट्ज़ेल, लेकिन अच्छा खासा ब्लिट्ज़ेल मिलने वाला है यहाँ पे 29 लेवल का, तो यहाँ पे आके भी आप ब्लिट्ज़ेल पकड़ सकते हो। अभी ये बंदी शायद से फाइट करेगी, यहाँ पे है शिंक्स, तो ये शिंक्स अभी तक लुक्सियो होना चाहिए था, लेकिन उसके पास जिम लीडर नहीं है। तो अगर आप इस शिंक्स को पकड़ लेते हो और एक लेवल अप कर देते हो तो शायद से वो लुक्सियो बन जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस शेयर ले रहे हैं, क्योंकि यार आगे जाके फाइट है, और अगर उस फाइट में जो भी एक्सपीरियंस चाहिए वो मतलब हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम में। तो इसके लिए मैं अभी एक्सपीरियंस शेयर दूसरे बंदे को दे रहा हूँ। फटाक से फिर ड्रैगन एयर को रिवाइव कर लेंगे, उसके बाद फिर से उसको शायद से मैं एक्सपीरियंस शेयर दे दूंगा। पहले चेक करते हैं क्या होता है। और यहाँ पे बंदी आ गई है, और इसके पास है गैस्ट्रोडॉन, हमारे पास पीपी नहीं बचा है तो लीच सीड से काम चलाना पड़ने वाला है। कट अटैक यूज़ करके उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं फिलहाल, लेकिन जो चीज़ कम मतलब यार इतनी डिफ़िकल्ट हो गई, हिप्नो आ गया, और हिप्नो को डिफीट करने के लिए मुझे शाइनी को यूज़ करना ही पड़ेगा। सो शाइनी हमारा 36 लेवल पे है, हिप्नो ने यूज़ किया हिप्नोसिस, जैसे कि उसका जो नाम है उसके हिसाब से मूव यूज़ किया बंदे ने, और हिप्नो चला गया, शाइनी ने उसको भगा दिया विंग अटैक से। और आ गया है गिबल, सो गिबल को हटाने के लिए यार ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि रेजर लीफ की ज़रूरत, लेकिन रेजर लीफ मैं भूल गया हूँ कि हमारा पीपी नहीं है रेजर लीफ का। सो स्लिप ऑर्डर देते हैं उसको, और लिसीड तो वैसे भी मिलने वाली है हम लोग को। सो थोड़ा सा एचपी जो हमारा है बढ़ गया है, और थोड़े से एडवांटेज में ज़रूर आ गए हम लोग। और पीछे के साइड जाते हैं, ये बंदा क्या बात कर रहा है वो चेक करते हैं। सो चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ यार, दो रास्ते निकल रहे हैं यार, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे इस बंदे से पहले बात कर लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं इस बंदे से, लेकिन ये बंदा खड़ा है मतलब बैटल करेगा, और बैटल स्टार्ट हो गई है। इसके पास है निडोरीना, और हमारे जो पोकेमॉन है ऑलमोस्ट डाउन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि भाई इस एपिसोड में एंडिंग में ये हमारे पोकेमॉन को रिवाइव की ज़रूरत लगने वाली है, मतलब पोकेमॉन सेंटर की ज़रूरत लगने वाली है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी एक सिटी पे पहुँचने के लिए, लेकिन अच्छा खासा फाइट दे रहा है बिना फिलहाल लिसीड की मदद से। और यहाँ पे है हंटेल, और हंटेल को मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, हंटेल और जो क्या नाम है उसका दूसरी बंदी का गॉर्बियस, तो उन दोनों को भी मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है। अगर आपने यूज़ किया उसके रिलेटेड आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे बता सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी पोकेमॉन नज़लॉक चैलेंज रहेगा वाटर टाइप का, या फिर कोई भी ऐसा पोकेमॉन नज़लॉक चैलेंज रहेगा एकदम ऐसा क्रेजी पोकेमॉन लुक दिखने वालों का, तो मैं डेफिनेटली इन पोकेमॉन्स को यूज़ करूँगा। नाम लिया गॉर्बियस का, और गॉर्बियस भी आ गई, और मैं अभी शाइनी पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट होने वाला हूँ। लेकिन शाइनी भी चला गया, और वीना है, और मैं डोगो को तो यूज़ नहीं कर सकता गाइस, क्योंकि डोगो हमारा वाटर टाइप पोकेमॉन नहीं है, वो है फायर टाइप, से वाटर टाइप से तो हार ही जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें नहीं है, इस बंदी से बात कर लेते हैं, सेंटर सिटी के बारे में बात करी। और आगे है बग कैचर, शट ये बग कैचर बहुत ही इरीटेटिंग होते हैं ना यार, वर्ल्ड मीड यूज़ कर रहा है बंदा, आइस भी यूज़ करते हैं और बटरफ्ली को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका सामने वाला बटरफ्ली जो है 38 लेवल का है, सो डोगो उसको हरा सकता है। यस बटरफ्ली हार गया है, मेरे को हमेशा बटरफ्ली देखने वाला वो फर्स्ट बटरफ्ली की याद आती है, ओ हेराक्रॉस गाइस। तो हेराक्रॉस ने डिफीट कर दिया है डोगो को, और अभी हम लोग एसपी क्वीन की तरफ जाते हैं और स्लैश अटैक यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर से एक बार टेक डाउन, और स्लैश नहीं टॉक्सिक कर सकता हूँ, नहीं गश करते हैं, नहीं फिर से फेल हो गया। मैं गश यूज़ करने वाला था क्योंकि बग टाइप के खिलाफ फ्लाइंग टाइप अटैक अच्छे खासे रहते हैं। और आ चुके हम लोग लास्ट पोकेमॉन पे,
और इस बंदे के पास कुछ भी नहीं है यार, मतलब इतना मैंने उसको इतना चूस लिया है भाई, बिना सौर को इतना यूज़ कर लिया है। वाइप आउट हो गए, हम लोग आ गए फिर से एक बार पुरानी पिछली सिटी में, और यहाँ पे पूरे के पूरे पोकेमॉन तो रिवाइव हो चुके हैं। वेस्पी क्वीन जो है हमारा, मैं सोच रहा हूँ कि यार चेक करते हैं किस डायरेक्शन में जा सकते हो, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं अभी सोच रहा हूँ कि हमारे पास अभी जो HM सर्फ आया है ना, उसको यूज़ करेंगे हिडन लोकेशंस पे, जहाँ पे मैंने अभी तक गया नहीं हूँ, मतलब सर्फ नहीं था पहले तो मैं गया नहीं था। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वो हिडन लोकेशंस देखेंगे जहाँ पे हम लोग सर्फ यूज़ करके एलिमेंट्स ले सकते हैं, आइटम्स ले सकते हैं, जो आइटम्स हम लोग ने पहले रिसीव नहीं किए हुए थे। तो नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और आज का एपिसोड यहीं पे अंत कर रहा हूँ वैसे तो। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट था क्योंकि मैं सिटी तक पहुँचने वाला था, लेकिन यार भाई बीच में वो बटरफ्ली वाला बंदा आ गया। बटरफ्ली जब देखता हूँ ना यार, तभी लगता है कि भाई आज हार जाऊँगा, क्योंकि यार बटरफ्ली ने आज तक मुझे बहुत बार हराया। मतलब अलग अलग टाइप के मूव्स है ना बटरफ्ली के पास, इतने वेरिएशंस है, पॉइजन पाउडर, स्लीप पाउडर, उसके साथ साथ उसके पास है वर्ल्ड विंड जैसे अटैक, उसके बाद आता है साई बीम, और ऐसे अच्छे खासे अटैक होने के बाद भी आप बोलोगे बटरफ्ली गंदा है तो भाई वीक है, तो मतलब यार ऐसे हो नहीं सकता। तो किसको किसको बटरफ्ली पसंद आता है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट है, उसके लिए सॉरी गाइस। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, उसके साथ साथ आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको मेरा गेमिंग करने अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। और नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आइएगा जरूर चेक करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड।